Hey, welcome to day number 2, 5 days confidence challenge, my dear friend. So my name is Dipendra, I'm a life coach and breakthrough strategist. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, माय डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप सोशल कॉन्फिडेंस. देखो, जो बहुत सारे लोग होते हैं जब हमारे ट्रेनिंग एंड कोचिंग में आते हैं, लोग कहते हैं कि सर मैं सोशल में बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़्यादा जरूरत होती है, मैं अपने आप को नर्वस में फील करने लगता हूँ या फिर मुझे एंग्जाइटी आने लगती है. तो सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम हैंडल करें सोशल एंग्जाइटी को, सोशल नर्वसनेस को. एंड दूसरा हम सीखेंगे कि हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन सोशल सिचुएशन. राइट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल एंग्जाइटी को हम कैसे हैंडल करें. देखो, सोशल एंग्जाइटी आपको कैसे आती है? जब आप लोगों से बात करने लगते हो तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपके अंदर इनर टॉक आने लगते हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्या मेरा इंप्रेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे. आपके अंदर फीलिंग एक डिफरेंट तरीके से आने लगती है और आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, इस तरीके की चीज़ें आने लगती है. तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को जानना है कि आपकी खुद की स्टाइल क्या है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है. क्योंकि 190 कंट्री में सर्वे किया गया, सर्वे में ये पाया गया है कि हर एक पीपल की, जितने भी हाई परफॉर्मेंस पीपल होते हैं, उनकी एक खुद की सेल्फ पर्सनालिटी होती है, खुद की एक स्टाइल होती है, और उसी एक स्टाइल के अकॉर्डिंग वो बातचीत करते हैं. तो आप क्या करते हो, उनकी कॉपी करना शुरू कर देते हो. नहीं, कॉपी नहीं करना है, जस्ट अवेयर होना है. एंड अवेयर होने के बाद आपको अपनी सेल्फ स्टाइल को रिकॉग्नाइज करना है. जब अपनी सेल्फ स्टाइल को रिकॉग्नाइज करोगे, देन देखो कि आप कहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में पाए जा रहे हो. हो सकता है कि आपके अंदर इनर सेल्फ टॉक चल रहे हो कि सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. तो जस्ट नोट इट डाउन, बिकॉज एक सर्वे के अकॉर्डिंग आप 10 में से 7 लोगों के पास जाते हो, और 10 में से 7 लोगों ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो डायरेक्टली उसका असर कहाँ पे होता है, आपकी आइडेंटिटी पे होता है. और जैसे ही आपकी आइडेंटिटी पे असर होता है, अब आप अपने आप को छोटा मानने लगते हो, और जैसे ही छोटा मानने लगते हो वो एंग्जाइटी आप पर हावी हो जाती है. तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाना है. इसके लिए 2 चीज़ें हैं. सबसे पहला, योर मैप, चेंज योर इंटरनल मैप. आपका इंटरनल मैप क्या होता है, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ बात करते हो, जिन लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस होता है, वही आपका मैप बन जाता है, और वही मैप आपको बार 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 ट्रिगर करता रहता है. तो उस मैप को आपको चेंज करना है. तो अपने एक्सपीरियंस पर जाओ, देखो कि आप सबसे अच्छे कहाँ पर थे, और उस सबसे अच्छे जहाँ पर थे उसको फील करो. एंड फील करने के बाद उसको विजुलाइज करो, और अपनी पिक्चर को बड़ा बनाओ, ब्राइटर बनाओ, बोल्डर बनाओ. देखो कि अपने आप को अगर उनके सामने जा रहे हो तो आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे उनके साथ टॉक कर रहे हो, आपकी स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपकी टोनालिटी क्या है. उनको अभी से ना विजुलाइज करना शुरू करो. जब आप विजुलाइज कर देते हो ना, जो आपका इंटरनल मैप होता है ना, वो बदलना शुरू कर देता है. बिकॉज एक फ्रेज है कि योर इंटरनल मैप इज नॉट द टेरिटरी, मींस कि आपका जो मैप होता है ना, वो आपकी बाउंड्री नहीं होती, बल्कि आपकी बाउंड्री बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपने इंटरनल मैप के अकॉर्डिंग अपनी बाउंड्री को बना रखा है. तो उस बाउंड्री को आपको तोड़ना है एंड गो बियॉन्ड योर इंटरनल मैप. नाउ अब दूसरे नंबर की बातें करते हैं कि कैसे हम सोशल कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं. तो सोशल कॉन्फिडेंस को अगर आपको बढ़ाना है माय डियर फ्रेंड, तो यूज 3Q टेक्निक. 3Q टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये टेक्निक मैं भी यूज़ करता हूँ, और ये टेक्निक जितने भी हाई परफॉर्मेंस पीपल्स हैं वो सारे के सारे लोग यूज़ करते हैं. एंड देन वो जब लोगों के सामने जाते हैं तो लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं. एंड व्हाट इज़ द 3Q टेक्निक, देखो, राइट डाउन योर 3 क्वेश्चंस, ओनली एंड ओनली 3 क्वेश्चंस. यानी कि आप जब भी किसी से मिलने जाओगे ना, ऐसे 3 कौन से क्वेश्चन हैं जो आप जा करके उनसे पूछोगे ही पूछोगे, एंड उसकी आप प्रैक्टिस कर लो. 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और ये 3 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं. सपोज करो आप उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड पूछ सकते हो, या फिर उनकी हॉबीज रिलेटेड पूछ सकते हो, या उनकी फेवरेट बुक पूछ सकते हो, या उनका फेवरेट स्पोर्ट्स पूछ सकते हो, या फिर उनके बारे में पूछ सकते हो. तो व्हाटएवर आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो 3 क्वेश्चन पर आप मास्टरी करके जाओ. और वो 3 क्वेश्चन आप जब 1000 पीपल से पूछते हो ना, तो बिलीव मी योर कॉन्फिडेंस विल गोइंग टू हाई, बिकॉज आपको पता चल जाता है वो कैसे आंसर देते हैं, और अब आपको उसका आंसर आपको कैसे देना है, उसको कैसे आपको हैंडल करना है. तो दिस इज
how you are going to boost your confidence, social confidence. 3Q technique, इस 3Q technique को use करिए. और मैं आपके लिए एक टास्क देता हूँ कि आज से एक हफ्ते के लिए एक चैलेंज लीजिए कि ऐसे कौन से 100, 50 जो भी हैं, आप अगर फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो या फिर 1-to-1 से मिल सकते हो या वीडियो कॉल पे उनसे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कौन से 3 क्वेश्चंस होंगे जो अननोन पीपल के साथ पूछने वाले हो या हाई परफॉर्मेंस पीपल के साथ आप पूछने वाले हो. इस चैलेंज को लीजिए एंड चैलेंज को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करिए. देखना, यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस माई डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरी वन. सो यस माई डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्कशीट को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है. दूसरा क्या करना है, आपको अभी जा करके एक वीडियो बनाना है. वीडियो बना करके आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही आज के इस कंटेंट से, एंड उसको जा करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए. मुझे आप टैग जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी स्टोरी या फिर अपने टाइमलाइन में उसको शेयर कर दूँ ताकि और भी पीपल आपको जान सकें. एंड टेक अ चैलेंज. दिस इज द रियल एक्शन माई डियर फ्रेंड फॉर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. टेक चैलेंज राइट नाउ फॉर 7 days. कितने सारे लोगों से मिलने चाहते हो? सो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट 3 days गोइंग टू चेंज योर लाइफ माई डियर फ्रेंड, बिकॉज वो जो कॉन्टेंट है बहुत पावरफुल कॉन्टेंट आने वाला है. तो बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा. सोशल मीडिया पे कहीं पर भी देख रहे हैं, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट आप मिस ना करने पाए. और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए. मिलते हैं डे नंबर 3 में.